नौ का नुनवा और 90 का झुंझुना। अब ये ऑक्सेलो हो गया है 24,600 रुपए। 24 एमपीसी का ब्लैक मैजिक है, इतना महंगा व्हील 10,000 के शूज में, ये 18,000 16,000 के व्हील तो आप। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो, और आज कुछ धमाल करेंगे। धमाल इट सेंस 9 का नुनवा और 90 का झुंझुना, बिकॉज कुछ ऐसा ही मैंने नया व्हील मंगाया है इस ऑक्सेलो के लिए। तो पहले मैं व्हील को बता दूं, ये डब्बे में था, मैंने खोल कर इसको चेक किया था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि इतना महंगा व्हील आखिर कैसा होता है, थोड़ा देख लूँगा, पता नहीं जा रहा था। तो मैंने इसको खोला और बता दूं मैं, ये ब्रांड एमपीसी का है, तो फटाफट आप लोग सर्च कर लो। ये इसको मैं खोल लेता हूँ और ये मैं फिट करने वाला हूँ आज इसमें ऑक्सेलो में। ये भी ठीक ठाक अभी चल रहा है, आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी आवाज़ है बेयरिंग में, तो इसको मैं चेंज करूँगा इस व्हील के साथ। इस एक व्हील की कीमत है 2,450 रुपये, 2,450 के एक व्हील है। तो ये मैंने 8 व्हील मंगाए एमपीसी के। तो आइए मैं इसको खोल के पहले आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में बात करूँगा कि इतना महंगा व्हील मैंने क्यों ऑर्डर किया है। ये बड़े कार्टून में था, मैंने निकाल दिया था इसको। तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको क्लोज लुक दिखा दूं, एमपीसी का ब्लैक मैजिक है और विद एबैक 9 बेयरिंग। एक व्हील की कीमत 2,450 रुपये। आपको बारे में थोड़ा बताऊं, ब्रांड है ब्लैक मैजिक, एमपीसी का ब्लैक मैजिक, 110 mm है और XX फर्म है, यानी एक्स्ट्रा हार्डनेस, और एमपीसी का टर्बो है फ्रेंड्स, तो बोलने की बात नहीं है, नाम ही काफ़ी है सेलो के साथ। और थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या ये पहले से जो मेरे को कंपनी फिटेड व्हील मिली थी, क्या उससे अच्छा परफॉर्मेंस आता है इसने महंगे व्हील के साथ या नहीं, या फिर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसा था कि मुझे एक स्पीड स्केटिंग लेना था शूज, इसे प्रोफेशनल शूज, तो मैं सोचा क्यों ना असेंबल कर लूँ, बूट अलग, उसके फ्रेम अलग और व्हील अलग, बस तीन ही चीज़ तो लगने हैं। तो इसलिए मैंने अभी ऑर्डर कर रखा है अपने फ्रेम को और बूट को, तो वो आएगा जब, तो वो भी मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा, और वापस जब वो शूज आएगा मेरा वो वाला बूट, तो उसके लिए ही मैंने ये व्हील मंगाया है। अब शायद आपको समझ आ गया होगा कि इतना महंगा व्हील 10,000 के शूज में, ये 18,000 16,000 के व्हील तो आप लगाओगे नहीं ऑब्वियसली। तो ये व्हील है उस बूट के लिए, बूट मेरा ऑन द वे है। मैं सोचा क्यों ना ऑक्सेलो के साथ लगा कर मैं इसको कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, और ऑब्वियसली इसकी स्पीड बेयरिंग है, स्पीड व्हील है, व्हील काफ़ी अच्छी है, इतनी महंगी व्हील है तो ऑब्वियस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी होगी इसकी, और जंपिंग तो आप देख ही रहे हो। तो अभी मैं इसको करूँगा, इसको चेंज कर लूँगा और इसको फिलहाल यूज करूँगा तब तक जब तक मेरा स्पीड स्केटिंग बूट नहीं आ जाता। जब बूट आएगा तो उसको असेंबल करेंगे वापस, फ्रैंक बूट और इस व्हील को ही मैं उसमें लगाऊँगा। फिलहाल मैं वेट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इसको चेंज करके देखूँगा कि आखिर इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है, तो आइए फटाफट चेंज करता हूँ। तो काफ़ी बेहतरीन व्हील है ये, और काफ़ी प्रोफेशनल लोग इसको रिकमेंड करते हैं, यूज़ भी करते हैं, तो मैंने लगाया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, तो आइए लगाते हैं इसको और फिर मैं आपको अगले वीडियो में इसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो ये 3 और 3 6 लगने वाले हैं, क्योंकि वो जो बड़े व्हील हैं जो प्रोफेशनल, उसमें 4 व्हील लगने वाले हैं, तो 4 4 मैंने 8 ऑर्डर किए हैं टोटल, तो 8 में से अभी 6 तो इसमें यूज होंगे, और 2 को मैं अभी फिलहाल रखूंगा साइड, जब वो शूज आ जाएगा मेरा तो 8 के 8 उसमें लगाऊंगा मैं इसको खोल के, और ऑक्सेलो में फिर से इसी व्हील को लगा दूंगा। इसी बहाने थोड़े मैं इसके बेयरिंग भी साफ कर लूंगा। इसके आ जाओ इधर, चलो चलो खुला रहने दो, बैठो इधर आकर, जल्दी आओ, आ जाओ इधर बैठ, उधर नहीं बैठना, वहां देखो वीडियो चल रहा है, इधर आओ साइड में, आओ इधर ही साइड में, वहां कैमरा चल रहा है, यहाँ बैठो, हाई कर दो। तो फ्रेंड, जैसे कि 4 व्हील मैंने निकाल लिया है, 2 और निकाल लेता हूँ इसके मैं। हाँ, इतना सारा, ये फ्यूचर स्केटर है, थोड़ा बहुत ट्राई करता है मेरे साथ घर में, तो 2 व्हील मैं रखता हूँ फ्रेंड साइड में, स्केटिंग करके। बूट का अगर मैं दिखाऊं तो बहुत ही गंदी स्थिति हो रखी है, तो थोड़ा मैं इसको क्लीन भी कर दूंगा। जाओ नीचे से ब्रश लेके आओ, जाओ नीचे जल्दी ब्रश लेके आओ, तो मैं लगा, थैंक यू, बैठो इधर, आ गया है मेरा ये भी, तो इसको पहले मैं थोड़ा इसका जो डस्ट अंदर फंसा है उसको निकाल लेता हूँ,
अरे डस्ट क्या, ये डस्ट का तो भंडार पड़ा है इसमें। तो फ्रेंड्स मैंने इसको भी पेट्रोल से क्लीन कर लिया, तो भी चकाचक हो गया ये अंदर से भी। तो फ्रेंड्स अब बारी आती है एमपीसी ब्लैक मैजिक इंस्टॉल करने की, तो आइए शुरू करते हैं। देखो दादू, हाँ देखो जूही कौन है? वो मोबाइल है, वहाँ वीडियो चल रहा है। देखो तो फ्रेंड्स एक अभी कंप्लीट हो गया है, वाकई स्मूथ लग रहा है पहले से। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा ऑक्सेलो रेडी, और अब ये ऑक्सेलो हो गया है 24,600 रुपये, 24,700 का भी हो गया एग्जैक्ट। ये क्यों 10,000 के शूज हो गए हैं, और एक चक्का इसका जो है वो 2,400 रुपये का है, तो 24×2,2,450 का है ऐसे अगर मैं बता दूं तो, 24×3 आप कर दो तो 7,350 में 7,300 ही मान लो आप, 7,300 का इसमें व्हील लगा है और 7,300 का इसमें व्हील लगा है, तो सर 14,000 रुपये, 3,600 रुपये, 14,600 और 10,000 के ये ऑक्सेलो शूज जो मिलता है मार्केट में, 24,600 के ये शूज अब मेरे बन गए ऑक्सेलो। तो आई होप इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि ये प्रोफेशनल व्हील मैंने लगाया है जो कि आता है जनरली जो आपने देखा होगा प्रोफेशनल स्केटर को वो वाला व्हील, तो वो मेरा जब शूज आ जाएगा तो ये वापस मैं उसमें खोल के सेट कर लूँगा, तो वो भी मैं आपको असेंबल दिखाऊँगा कि क्या क्या मैंने बूट और फ्रेम कौन से ब्रांड का मंगाया है और कैसे मैंने असेंबल करके एक प्रोफेशनल स्पीड स्केटिंग शूज मैंने बनाया घर पर। और फिलहाल मेरा ये 24,000 का स्केटिंग ऑक्सेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आपने इंजॉय किया होगा। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतरीन है एमपीसी का ब्लैक मैजिक डबल एक्स फर्म, बहुत ही बेहतर ब्रांड है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, लॉन्ग टर्म चलेगा और ये बेहतरीन स्पीड के साथ आता है सबसे, मुझे अभी फिलहाल तो स्पीड चाहिए इसलिए मैंने इसको चेंज कर लिया है। तो अभी मैं इसका रोड पे फ्रेंड्स आपको वीडियो तो मिलते ही हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा ये ब्लैक मैजिक एमपीसी के साथ में मिलेगा, और इसका परफॉर्मेंस भाई चलाने के बाद कैसा फील कर रहा हूँ मैं, पहले से अच्छा या फिर क्या है वो मैं बताऊंगा, और मेरा जो भी एक्सपेक्टेशन है इसमें कि ऑक्सेलो मैंने जब नया खरीदा था उससे बेहतरीन चलने वाला है मेरा ये, तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसा रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आई होप आप इन्जॉय कर रहे होंगे हमारे स्केटिंग वीडियोज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।